हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अहमद स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के डिफरेंशिएशंस के कुछ क्वेश्चंस, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक क्लियर कर चुके थे। तो आज हम लोग 35 से चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। हम पहले ही मान रहे हैं फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, इसलिए पहले ही अब लेट कर ले रहे हैं। ठीक, लेट वाई बराबर अंडर रूट सेक एक्स माइनस वन बटा सेक एक्स प्लस वन। ठीक, अब सेक एक्स को तोड़ देंगे, क्योंकि होता है फ्रेंड्स, फार्मूला होता है सेक एक्स बराबर वन बटा कॉस एक्स। ठीक, इस फार्मूला पर तोड़ दे रहे हैं, तो हो जाए अंडर रूट वन बाई कॉस एक्स माइनस वन बट्टा वन बाई कॉस एक्स प्लस वन। पूरे का रूट है, ठीक है, पूरे रूट में है, हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे सभी का, तो यहाँ हो जाएगा, इसका लेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस एक्स बट्टा, ये हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स बट्टा कॉस एक्स। ठीक, जब फ्रेंड्स कॉस एक्स कट जाएगा ये रूट में पूरा, तो हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स बट्टा वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए अब इतना का इतना हो गया, तो अब इसका रेशनलाइज कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि वाई बराबर हो गया अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स बट्टा वन प्लस कॉस एक्स। अब रेशनलाइज करने पे, यानी कि यहाँ प्लस है तो माइनस से वन माइनस कॉस एक्स बट्टा वन माइनस कॉस एक्स। ठीक, परिमेयकरण ये करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस, ऊपर में हो जाए दोनों जब मल्टीपल हुआ तो वन माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बट्टा, ये हो जाएगा देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वन का स्क्वायर वन और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हो जाए वाई बराबर अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बट्टा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है फ्रेंड्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो हो जाएगा रूट में है तो अब रूट हटाएंगे, तो हो जाएगा वाई बराबर वन माइनस कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स, तो हो गया वाई बराबर, अब अलग अलग इसको कर देंगे तो वन बटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स, तो वन बटा साइन एक्स हो जाएगा कॉसेक एक्स, कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट एक्स। वाई बराबर आ गया इतना, अब इसका अवकलन कर लेंगे, यानी कि डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा फ्रेंड्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी कॉसेक एक्स बटा डी एक्स माइनस डी कॉट एक्स बट्टा डी एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है फ्रेंड्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और इसका होता है कॉट एक्स का होता है फ्रेंड्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाए माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब माइनस से यहाँ मल्टीपल करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, यहाँ से कॉसेक एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉसेक एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ स्क्वायर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हो जाएगा कॉसेक एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक फ्रेंड्स, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 36 नंबर क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, इसको लेट कर ले रहे हैं हम, लेट वाई बराबर दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स बट्टा वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका अब यू वाई वी पे ही अवकलन कर रहे हैं। ठीक, तो हो जाए डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो हो जाए डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी साइन स्क्वायर एक्स बट्टा डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा डी एक्स, टोटल का बट्टा का हो जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यू वाई वी का डिफरेंशिएशन फार्मूला हम बता चुके हैं फ्रेंड्स, उसी पे हम लोग तोड़ दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन हो जाएगा टू साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन का अवकलन जीरो हो जाएगा, और कॉस एक्स का हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टू कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक,
बट्टा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा फ्रेंड्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ इस सबको गुना कर देना है तो हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin² x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ अब आगे चलते हैं तो हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए इसको 2 sin x इंटू कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं तो हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 sin² x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इसका फ्रेंड्स मान होता है ये होता है sin 2x के बराबर, तो हो जाए sin 2x। ये देखिए यहाँ से हम लोग प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू फिर यहाँ हो जाएगा sin 2x प्लस यहाँ हो जाएगा sin² x इंटू sin 2x बट्टा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए sin 2x सभी में कॉमन ले सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से sin 2x हम कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा sin 2x इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस sin² x बट्टा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा फ्रेंड्स sin 2x इंटू 1 प्लस, देखिए इसका मान हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस sin² x, इसका मान हो जाएगा 1 बट्टा हो जाएगा फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा sin 2x इंटू 2 बट्टा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो आंसर फाइनल रूप से आंसर हो जाएगा 2 sin 2x बट्टा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, इसको लेट कर रहे हैं पहले, लेट y बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बट्टा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक फ्रेंड्स, इसको रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले y का मान निकाल रहे हैं रेशनलाइज करके, तो हो जाए 1 प्लस साइन एक्स बट्टा 1 माइनस साइन एक्स, देखिए यहाँ माइनस है 1 माइनस साइन एक्स तो प्लस से रेशनलाइज यानी कि परिमेयकरण करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स, ये सभी रूट के अंदर होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, तो गुना जब डबल मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर कर देंगे और ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर बट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो वाई का मान आ गया, रूट से स्क्वायर है तो रूट से हट जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स, तो वाई बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स, तो इस इतना हो गया, तो अब वाई का मान 1 बाई कॉस एक्स हो गया sec एक्स, साइन बाई कॉस हो गया टेन एक्स, तो हो जाएगा फ्रेंड्स वाई बराबर sec एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब इसका अवकलन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा dWr2x यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर डी sec एक्स बटा डी एक्स प्लस डी टेन एक्स बट्टा डी एक्स, sec एक्स का फ्रेंड्स डिफरेंशिएशन होता है sec एक्स इंटू टेन एक्स, तो हो जाए sec एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स का फ्रेंड्स डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स। अब देखिए दोनों में sec एक्स है तो sec एक्स कॉमन कर ले रहे हैं, तो sec एक्स कॉमन होगा तो हो जाएगा sec एक्स प्लस टेन एक्स, यहाँ से हम मान यहाँ से पहले कॉमन किया है sec एक्स, तो यहाँ हो जाएगा बच जाएगा 1 sec x यानी कि sec एक्स, यहाँ प्लस में बच जाएगा टेन एक्स, ये आंसर हो गया करेक्ट। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पहले हम लेट कर ले हैं, लेट y बराबर दिया हुआ है 2 tan x बटा टेन एक्स प्लस कॉस एक्स और पूरे का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, तो इसका अवकलन करते हैं, आगे बढ़ते हैं,
डायरेक्ट अवकलन करते हैं डी डब्ल्यू आर टू एक्स, ठीक है। तो हो जाए फ्रेंड्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी टू टेन एक्स बटा टेन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हट जाएगा यानी कि डी टू टेन एक्स बटा टेन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर इसी को ऊपर ले चलेंगे तो जो डी टू टेन एक्स बटा टेन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा डी एक्स। देखिए ये पावर नीचे आएगा तो हो जाएगा दो दूनी चार टेन एक्स, पावर एक माइनस होगा तो वन हो जाएगा तो फोर टेन एक्स बटा टेन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको अभी यू बाई वी पे करेंगे, ठीक है, इधर थोड़ा जाएगा इसको लंबा करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यू बाई वी पे होगा तो टेन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी टू टेन एक्स बट्टा डी एक्स माइनस टू टेन एक्स इंटू डी टेन एक्स प्लस कॉस एक्स बट्टा डी एक्स, और टोटल का बट्टा हो जाएगा टेन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पे, तो हो जाएगा फ्रेंड्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर फोर टेन एक्स बट्टा टेन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स, टेन एक्स प्लस सेक एक्स सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, रुक जाइए थोड़ा देख ले रहे हैं हम इसको कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा ये कॉस होगा, ठीक है फ्रेंड्स यहाँ होगा कॉस एक्स। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे, टेन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया और इनटू टू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ देखिए टू टेन एक्स का अवकलन हो जाएगा टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन एक्स इंटू, फिर टेन एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है फ्रेंड्स माइनस साइन एक्स बटा टेन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं आगे, तो हो जाए फ्रेंड्स फोर टेन एक्स बटा टेन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये गुना कर देना है इसको मल्टीप्लाई कर देना है एक एक करके, तो हो जाए टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, फिर इसको भी कर देना है तो टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस हो जाए टू टेन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। माइनस से गुना हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाए टू टेन एक्स इंटू साइन एक्स अब बट्टा टेन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए हम माइनस टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स कट जाएगा, तो हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा फोर टेन एक्स बटा टेन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू हो जाएगा टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस हो जाए टू टेन एक्स इंटू साइन एक्स बट्टा टेन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। आगे चलते हैं तो हो जाए फोर टेन एक्स बट्टा टेन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू टू, देखिए सेक स्क्वायर को कॉस में बदलना है तो कॉस स्क्वायर वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स और इसको रख दे रहे हैं कॉस एक्स प्लस टू टेन एक्स इंटू साइन एक्स बट्टा टेन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, देखिए कॉस एक्स से एक कॉस एक्स गायब हो जाएगा तो हो जाएगा फ्रेंड्स फोर टेन एक्स बट्टा टेन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखिए यहाँ से टू कॉमन कर ले रहे हैं इंटू टू कॉमन कर ले रहे हैं
तो ये हो जाएगा 1 बाई cos x यानी कि sec x प्लस 10x इंटू साइन एक्स बटा 10x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 यानी कि 8 10x बटा 10x प्लस cos x, ये सभी को एक साथ है गुणा कर दें तो हो जाएगा sec x प्लस 10x इंटू साइन एक्स अब बट्टा ये हो जाएगा 10x प्लस cos x का। देखिए यहाँ पावर 1 है पावर है यहाँ 2 तो पावर ऐड हो जाता है मल्टीपल में तो क्यू हो जाएगा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि होगा 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है लेट y बराबर रूट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन रूट एक्स, इसका अवकलन कर लें डायरेक्ट डी डब्ल्यू आर टू एक्स तो हो जाए फ्रेंड्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसको यू इंटू वी पे कर दे रहे हैं तो हो जाए रूट एक्स इंटू डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी रूट एक्स बट्टा डी एक्स प्लस इसको फिर कर दे रहे हैं डी साइन रूट एक्स बट्टा डी, अब साइन हट जाए तो रूट एक्स आएगा फिर इंटू डी रूट एक्स बट्टा डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स चलते हैं रूट एक्स साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस रूट एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/2 √x प्लस यहाँ हो जाएगा साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 √x। ठीक है तो आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा रूट एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बट्टा 2 √x प्लस कॉस रूट एक्स बट्टा 2 √x, अब एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 √x और ये सभी जाकर यहाँ हो जाएगा गुण मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ तो हो जाएगा 2x रूट एक्स से रूट एक्स तो एक्स हो जाएगा तो 2x कॉस एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस रूट एक्स। ठीक है फ्रेंड्स तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 2 √x बाहर कर लेते हैं 1/2 √x इंटू हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स प्लस कॉस रूट एक्स। देखिए पहले इसको हम लिखे हैं साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स प्लस कॉस रूट एक्स जो कि ये आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 नंबर में। ठीक है फ्रेंड्स या फ्रेंड्स इतना ही पे रहने देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियोज में। तब तक के लिए बाय।